तो ये देखो फाइनली मैंने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3DK में लूसिफर मोड को कर लिया एक्टिवेट। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो आगे फिर से, तो आज गाइस अपन एक और बार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3DK की एक और मित्र स्टूडियो लेके आ चुके हैं। मित नंबर 1 गेमर भैया, न्यू हाउस की पीछे वाली बाउंड्री पे क्लाइम करो, फिर देखना आपके टकले का सर फूट जाएगा, प्लीज टेक माय मिथ। ओके, तो मुझे अपने घर के पीछे वाली बाउंड्री पे क्लाइम करना है, लेकिन एक सेकंड रुको, लैम्बोर्गिनी वाले ज्यादा ऐंठा रही तेरे को। अबे ओए सॉरी तो बोल के जा, रुक जा, अभी तेरी अकड़ निकालनी पड़ेगी कि ज्यादा लैम्बोर्गिनी की अकड़ मेरे को दिखा रहा है ना, ये ले आरपीजी खा, अलग ही लैम्बोर्गिनी की अकड़ दिखा रहा था। चलो छोड़ो उसको, ये देखो ये लैम्बोर्गिनी वाला कितना बढ़िया है, इसने ना ही हॉर्न मारा ना ही मेरे को ठोका, तो यार ये वाला लैम्बोर्गिनी वाला आदमी तो कितना बढ़िया था। चलो इनको छोड़ो, जल्दी से मित पे वापस आते, क्योंकि मित में हमें बोला था हमें अपने हाउस के पीछे वाली बाउंड्री के ऊपर चढ़ना है, फिर हमारे टकले का सर फूटेगा। और मुझे लगता है कि आप लोग इसी वाली बाउंड्री की बात कर रहे हो, क्योंकि इस वाली बाउंड्री के जस्ट पीछे एक बिल्डिंग है जिसकी छत बाउंड्री को टच करती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ही टकला बाउंड्री के ऊपर चढ़ेगा उसका सर डेफिनेटली फूट जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग बाउंड्री के काफी पास है। तो इसलिए मैं तो रिस्क नहीं लूंगा, मैं तो जल्दी से 9129 के चीट कोड से टकले की हेल्थ को इनफाइनाइट कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं बाउंड्री के ऊपर चढ़ने। तो चलो जल्दी से बाउंड्री के ऊपर क्लाइम करते, फिर देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। मुझे तो लगता है कि हमारे टकले का सर जरूर फूटेगा। तो ये देखो हमारा टकला बाउंड्री के ऊपर चढ़ गया, लेकिन एक सेकंड रुको, ये टकला तो बिल्डिंग के आर पार आ गया था, लेकिन एक सेकंड रुको, ये अचानक से क्या हो गया? रुको मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या। चलो 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 दोबारा से बाउंड्री के ऊपर चढ़ते, और ये देखो गाइस हमारा टकला बाउंड्री के ऊपर चढ़ तो गया, लेकिन एक सेकंड रुको, इसका सर तो सचमुच में फूट गया। गाइस आप लोगों ने नोटिस किया, जैसे ही हमारे टकले ने बाउंड्री के ऊपर खड़े होने की कोशिश की, उसका सर लिटरली में बिल्डिंग से टकरा गया। यार ये तो काफी कमाल का है, रुको एक और बार ट्राई करते, क्योंकि टकले का सर फूटते हुए देखने में मुझे काफी मजा आता है। तो चलो एक और बार ट्राई करते हैं। तो चल टकले दोबारा से बाउंड्री के ऊपर जल्दी से चढ़ जा, क्योंकि मुझे देखना तेरा सर दोबारा से फूटेगा कि नहीं फूटेगा। और ये देखो गाइस इस बार हमारे टकले का सर दोबारा से फूट गया। अरे यार ये तो सचमुच में काफी फनी है, क्योंकि हमारे टकले का सर लिटरली में दो बार फूट चुका है, वो भी मेरी वजह से। तो इससे ये तो साफ क्लियर हो चुका है कि अगर हम लोग इस वाली बाउंड्री के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्डिंग की वजह से हमारे टकले का यानी हमारे करेक्टर का सर जरूर फूटेगा। तो आप लोग भी इस वाले मिथ को जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये वाला मिथ काफी फनी है। तो चलो ये वाला मिथ भी हो चुका है कन्फर्म। मिथ नंबर 2, पेट्रोल पंप को ब्लास्ट करोगे तो वहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी, प्लीज टेक माय मिथ। अच्छा ऐसी बात है, चलो जल्दी से मैं अपनी निसान GTR कार को फुल स्पीड में ले चलता हूँ पेट्रोल पंप पे, और देखते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। तो ये देखो मैं फाइनली पेट्रोल पंप पे तो आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गेमर भैया आपने गाड़ी के अंदर हेलमेट क्यों पहना है, तो उसके पीछे एक दुखभरी कहानी है। चलो आपसे क्या छुपाना, मैं आपको बता ही देता हूँ वो क्या है। पिछले वाले मिथ में हमारे टकले का सर कुछ ज्यादा ही तेजी से फूट गया था, तो उसी वजह से डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि मुझे अपने टकले का सर बचा के रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हेलमेट पहन के घूमा जाए, क्योंकि हेलमेट की वजह से हमारे टकले का सर कभी भी नहीं फूटेगा। तो चलो हेलमेट को करते हैं साइड और वापस से आते मिथ पे। तो चलो मिथ के अकॉर्डिंग मैंने पेट्रोल पंप को तो ब्लास्ट कर दिया, अब अपन को बस वेट करना है और देखना है कि ये वाली आग कितनी देर में बुझेगी। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये वाली आग अभी 1 से 2 मिनट में बुझ जाएगी, क्योंकि यार गाड़ियों की आग भी तो बुझ जाती है, तो मुझे लगता है कि ये पेट्रोल पंप की आग भी बुझनी चाहिए। तो चलो जब तक आग बुझती है मैं आप सबको पेट्रोल पंप का टूर दे देता हूँ। तो जिन भी लोगों ने मेरी पेट्रोल पंप वाली वीडियो देखिए उनको पता होगा कि मैंने पेट्रोल पंप को पूरी तरीके से अपग्रेड कर दिया है, क्योंकि आप सबको पता होगा इस वाले अपडेट के बाद हमारे पेट्रोल पंप को पूरी तरीके से डाउनग्रेड कर दिया था। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि गेमर भैया ने फाइनली पेट्रोल पंप को कर दिया अपग्रेड। और अगर आप लोगों ने पेट्रोल पंप वाली वीडियो नहीं देखी तो टेंशन मत लो, इस वाली वीडियो के खत्म होते ही आपको एंड स्क्रीन पर पेट्रोल पंप की वीडियो मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख सकते हो। लेकिन तब तक मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने पेट्रोल पंप में कौन कौन से अपग्रेड किए हैं। सबसे पहले मैंने पेट्रोल पंप के पूरे फ्लोर को पूरी तरीके से बदल दिया, जो आप लोग क्लियर देख सकते हो। देन फिर उसके बाद मैंने पेट्रोल पंप में काफी सारी नई नई चीजें ऐड की, जैसे मैंने यहाँ पर काफी सारे नए पेड़ लगाए, पौधे लगाए, साथ में डस्टबिन भी लगाया, और लाइट कोन और काफी सारे प्रॉप्स को भी ऐड किया, जिससे हमारा पेट्रोल पंप फाइनली हो चुका है अपग्रेड। लेकिन एक सेकंड रुको, ये वाली आग तो यार अभी तक नहीं बुझी, यार सुबह से रात हो गई, ये वाली आग बुझ क्यों नहीं रही है? ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतनी देर में तो आपको बुझ जाना चाहिए था, लेकिन ये वाली आग तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो सुबह तक का और वेट करते, क्या पता सुबह तक बुझ जाए। कल रात को कितनी प्यारी नींद आई, लेकिन एक सेकंड रुको, ये मैं कहां पर हूँ? अरे अच्छा यार मैं तो यहीं पर पेट्रोल पंप पे ही सो गया था। चलो पेट्रोल पंप की आग को देखते हैं, लेकिन ये सब मैं क्या देख रहा हूँ यार, पेट्रोल पंप की आग तो अभी तक नहीं बुझी। ये तो सचमुच में इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे सुबह से रात फिर रात से वापस सुबह हो गई, लेकिन पेट्रोल पंप की आग अभी तक नहीं बुझी। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि पेट्रोल पंप की आग अब कभी नहीं बुझेगी, मुझे अब गेम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। तो चलो जल्दी से गेम को रिस्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, चलो जल्दी से
देखते हैं पेट्रोल पंप की आग बुझी है कि नहीं बुझी। और ये देखो गाइस, फाइनली गेम को रिस्टार्ट करने के बाद पेट्रोल पंप की आग पूरी तरीके से बुझ गई जैसा कि मैंने सोचा था। तो इसका मतलब है अगर पेट्रोल पंप पे एक बार आग लगी तो यहाँ की आग कभी भी नहीं बुझेगी, आपको गेम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा तभी यहाँ की आग बुझेगी। तो यार ये वाला मिथ तो सच में काफी कमाल का था, तो इसका मतलब है ये वाला मिथ भी हो चुका है कन्फर्म। गेमर भैया आज जीएस टूल में लूसीफर टाइप करो प्लीज टेक माय मिथ। ओके तो फाइनली गाइस काफी टाइम बाद एक खतरनाक और इंटरेस्टिंग मिथ आ चुका है, तो चलो जल्दी से आज जीएस टूल में लूसीफर डाल के देखते हैं। मुझे तो लगता है कि ये वाला मिथ वर्क करेगा, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही है। तो चलो मैंने आज जीएस टूल में लूसीफर डाल के एंटर तो दबा दिया, लेकिन वेट गाइस यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे यार मैंने तो सोचा था कुछ तो खतरनाक होगा इस वाले मिथ में, लेकिन यहाँ पर तो मेरे साथ पोपट हो गया। अरे इस वक्त मेरे को कौन मैसेज कर रहा है, रुको अपना फोन निकाल के देखते। और यहाँ पर किसी लूसीफर नाम के बंदे ने मुझे मैसेज किया, क्या लिखा है इसने, गो टू ओल्ड हाउस देन सी मैजिक। अच्छा मुझे अपने पुराने वाले हाउस के पास जाना है फिर वहां पर मैजिक होगा, लेकिन गाइस मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि इस वाले मिथ में मैजिक क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ मुझे ये वाला मैसेज किसी लूसीफर नाम के बंदे ने किया था, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ये लूसीफर है कौन, क्योंकि मेरे किसी दोस्त का नाम भी लूसीफर नहीं है। फिर ये मैसेज मुझे किया तो किया किसने, कहीं ये मैसेज मुझे रियल वाले लूसीफर ने तो नहीं किया। अगर ऐसा हुआ तो ये वाला मिथ तो लिटरली मैं काफी कमाल का होगा। तो ये देखो गाइस मैं फाइनल अपने ओल्ड हाउस के पास तो आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं पर भी लूसीफर भी नहीं दिखाई दे रहा और ना ही मुझे कुछ क्लू मिल रहा है। चलो थोड़ी देर वेट करते हैं। ओ शिट, ऐसा कैसे हो सकता है, ये देखो ये कोई अजीब से विंग्स में से अटैच हो गए हैं और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये तो लूसीफर के विंग्स है लिटरली। मैं गाइस ये देखो मैं लूसीफर बन चुका हूँ, भैंस की आंख, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा यार, मैं तो सचमुच में लूसीफर बन गया, अब आएगा ना मजा। तो ये देखो गाइस फाइनली मैंने लूसीफर मोड को कर लिया एक्टिवेट, लेट्स गो। तो मैं तो चला अपनी सिटी का चक्कर लगाने, लेकिन ये वाला मिथ हो गया बस्ट। तो गाइज आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि गेमर भी आ चुके हैं।